हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ विंटर स्पेशल गुड़ की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये गुड़ गन्ने के रस से नहीं, खजूर के रस से बनाया हुआ है। ये एक बंगाली स्पेशल खीर है और बंगाली में इसे बोलते हैं नॉलेन गुड़ेर पायश और खजूर गुड़ेर पायश। तो चलिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से बड़े काजू और थोड़े से चॉप किए हुए काजू, थोड़ा सा मगजदाना और थोड़ा सा किशमिश, दो तेज पत्ते, 1 लीटर फुल क्रीम दूध, ये है गोविंदभोग चावल, इसे कोई कोई खीर का चावल भी बोलते हैं। और 1 किलो दूध में कितना चावल लेना है ये मैं दिखा देती हूँ। हम 1 किलो दूध में लेंगे 3 मुट्ठी से थोड़ा सा कम चावल। इससे ज़्यादा चावल लेने से चावल पकने के बाद दूध कम पड़ जाएगा और खीर इतना टेस्टी नहीं लगेगा खाने में। और ये है बंगाल स्पेशल खजूर का गुड़। नेचुरली 1 किलो दूध में हमें इतना ज़्यादा गुड़ नहीं चाहिए, कितना गुड़ चाहिए ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम दूध को लो मीडियम फ्लेम में बॉयल होने के लिए रख देंगे। दूध के बॉयल होने के टाइम हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। गुड़ के खीर में तेज पत्ते का टेस्ट ही अच्छा लगता है, इलायची का नहीं, इसलिए हम इसमें इलायची नहीं डालेंगे। बीच बीच में दूध को स्टर करते रहना है और साइड में जब दूध ऐसे चिपक जाए तो इसको ऐसे निकाल लेना है। दूध को ऐसे कंटिन्यूअसली बॉईल करते रहना है और जब इसकी क्वांटिटी कम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे चावल को। चावल डालने के बाद हम दूध को अच्छे से स्टर कर लेंगे। चावल के बॉईल होने तक हम दूसरे चूल्हे पे गुड़ का सिरप बना लेते हैं और इसके लिए हम एक सॉस पैन पे डालेंगे 1 बड़ा कप पानी। एक किलो दूध के खीर में हमें चाहिए इतना सा गुड़ और अब हम इस गुड़ को पानी में डाल देंगे। हम डायरेक्टली गुड़ को दूध में नहीं डालेंगे क्योंकि कभी कभी दूध में गुड़ डालने से दूध फट जाता है और ये रिस्क हम नहीं लेंगे। पानी में गुड़ मेल्ट होता रहे तब तक हम चावल को देख लेते हैं। चावल को बीच बीच में जरूर स्टर करना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। चावल जब हल्का सा पक जाएगा तब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को। मैं अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर रही हूँ, आप अपने पसंद से भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। गुड़ परफेक्टली मेल्ट हो चुका है और ये हल्का सा स्टिकी भी हो चुका है। हम इसको बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं बनाएंगे। अगर ये ज़्यादा स्टिकी बन जाएगा तो इसे दूध में मिक्स करने में परेशानी होगी। इधर चावल भी परफेक्टली कुक हो चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुड़ के सिरप को डालेंगे। जब हम खीर में गुड़ के सिरप को डालेंगे तब हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे। गुड़ को डालने के बाद हम गुड़ और खीर को बहुत सॉफ्टली मिक्स करेंगे।
तो दोस्तों तैयार हो चुका है गुड़ का खीर यानी कि नॉलेन गुड़े पायस। और ये खीर खाए बिना हम बेंगोलीस का विंटर अधूरा होता है। हम बेंगोलीस को तो ये खीर बहुत ही पसंद है, पर आई एम श्योर कि मेरे नॉन बेंगोली व्यूअर्स अगर ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो उन्हें भी ये खीर बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।